नमस्कार, मैं पिंटू सिंह यादव, आप सभी का स्वागत करते हैं। दोस्तों, अगर भोजपुरी इंडस्ट्री की बात होती है तो आपको पता होगा कि भोजपुरी इंडस्ट्री में लगातार कंट्रोवर्सी होता है, विवाद होता है। और भोजपुरी इंडस्ट्री में अगर आप गौर कर कर देखते हैं तो ग्रुपिज्म चलता है। कई सारे लोग किसी के समर्थन में उतर जाते हैं तो कई लोग भैया 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 करते रहते हैं। और चमचागिरी आप देखते होंगे कि किस तरीके से लोग करते नजर आते हैं। वहीं इस कड़ी में अगर मैं बात करता हूं तो खेसारी लाल यादव को लेकर काफी ज्यादा चर्चा होती है। खेसारी लाल यादव को लेकर लगातार विवाद भी होते हैं और खेसारी लाल यादव को लेकर तमाम चर्चाएं भोजपुरी इंडस्ट्री में होती है और होना भी चाहिए, क्योंकि भोजपुरी के नंबर वन कलाकार हैं तो उनको लोग दबाने की कोशिश करते हैं, कॉन्स्पिरेसी के तहत उनको फंसाने की कोशिश करते हैं, तो आए दिन उनको बदनाम करने की भी कोशिश की जाती है। और इस दौर में कौन से ग्रुप आगे है ये बखूबी आपको पता होगा। जिस तरीके से पिछले साल यानी कि 2021 के अंत में तमाम चमचे लोग एक साथ होकर लगातार भेड़िए की तरह भौंकते नजर आए थे, तो ये अब आपको पता ही हो गया। इसी कड़ी में आपको पता होगा कि खेसारी लाल यादव का नेपाल में एक शो था। नेपाल में शो तो करने गए थे, लेकिन वहां पर मिस मैनेजमेंट के चलते जो ऑर्गेनाइजर थे उनके मिस गाइडिंग, मिस मैनेजमेंट और बढ़िया अरेंजमेंट ना होने के चलते शो जो है खेसारी लाल यादव का कैंसिल हो गया। हालांकि शो शुरू हुआ था लेकिन खेसारी लाल यादव वहां पर परफॉर्म नहीं कर पाए और तोड़ फोड़ हुआ, जिसमें खेसारी लाल यादव के टीम के लोगों का 4 स्कॉर्पियो को जला दिया गया। इसके अलावा खेसारी लाल यादव ने आरोप लगाया कि 1.5 करोड़ रुपए का उनका नुकसान हो गया और किस तरीके से आउट ऑफ इंडिया यानी कि अदर कंट्रीज में जाके अगर आप परफॉर्म करते हैं तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वहां का जो इन्वायरमेंट होता है, वहां की जो फोर्सेस होती है, वहां की जो सिक्योरिटीज होती हैं, उसका एक अलग प्रोसेस होता है काम करने का। तो वहां से खेसारी लाल यादव निकल कर कैसे कैसे भी इंडिया में आया और एक लाइव के माध्यम से उन्होंने बताया कि हमें कितना तकलीफ हुआ, हम सोए नहीं हैं, कितना ज्यादा दुख हुआ कि इतनी सारी गाड़ियों को जला दिया गया, उनसे कितने लोगों का एकदम नजदीकी लगा होगा, ये आप अंदाजा लगा सकते हैं। इसके बाद खेसारी लाल यादव ने एक बड़ा भोजपुरी इंडस्ट्री में पोल खोल दिया, जिसके बाद जो चमचे होंगे ना वो एकदम अपने आप में जलकर राख हो जाएंगे। जी हां, बात करें तो खेसारी लाल यादव ने ये कहा कि इतना दुख का समय था, भोजपुरी इंडस्ट्री कहा जाता है, इंडस्ट्री में तमाम लोग हैं, कोई सुपरस्टार कहता है अपने आप को तो कोई पावर स्टार कहता है, कोई पता नहीं क्या कहता है और कोई अपने आप को ही क्या क्या कह लेता है, भले ही गाने का लूर ना हो, गाने का सहूर ना हो, बेसुरा आवाज निकलता हो, लेकिन फिर भी सुपरस्टार लोग मान लेते हैं, अपने आप को कहने लगते हैं, तो वो अलग बात है। तो खेसारी लाल यादव ने ये आरोप लगाया कि भोजपुरी इंडस्ट्री है लेकिन जब हमारे ऊपर हमला हुआ, यानी कि कहने का मतलब कि उनके शो में जिस तरीके से उनके टीम के साथ इस तरीके की इंसिडेंट हुई, उसके बाद भोजपुरी इंडस्ट्री से महज 2 लोगों का कॉल गया, एक आम्रपाली दुबे हैं और दूसरा जो जुबली स्टार कहे जाते हैं दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ है। 2 लोगों का फोन गया खेसारी लाल यादव के साथ और खेसारी लाल यादव से हालचाल पूछा गया। इसके अलावा 2 और 3-4 नाम लिए लेकिन वो भोजपुरी के सुपरस्टार नहीं है, बल्कि भोजपुरी के सुपरस्टार उसे कहा जाता है जो भोजपुरी की मशहूर अभिनेत्री हो, भोजपुरी का सुपरस्टार सिंगर हो, भोजपुरी का सुपरस्टार एक्टर हो, उसको एक सुपरस्टार के फॉर्म में रखा जाता है, जिसमें खेसारी लाल यादव है खुद। इसके अलावा निरहुआ और आम्रपाली दुबे का फोन गया था। इसके अलावा उन चमचों का फोन नहीं गया था जो लोग एक ग्रुपिज्म की तरह, कुत्ते की तरह लगातार भूखते नजर आते हैं। वो कौन है ये बखूबी आप पता होगा, लेकिन मेरा तो यही कहना है कि भाई आप कितना भी अकेले हो जाए, अगर दर्शक, ऑडियंस, जिसकी वजह से आप हैं, अगर वो आपको प्यार दे रहे हैं, वो आपके साथ हैं, तो आपके साथ कुछ नहीं हो सकता है और कुछ हुआ भी नहीं। और जिस तरीके से खेसारी लाल यादव के ताबड़तोड़ गाने रिलीज हो रहे, ट्रेंडिंग में तबाही मचा रहे हैं, उसका इल्जाम और उसका जो नतीजा है वो आपको पता होगा और आप इसको समझते होंगे। खैर, आपको क्या लगता है, क्या ऐसे लोगों की बात करना चाहिए खेसारी लाल यादव को लेकर, नहीं करनी चाहिए, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और मेरा यही है कि भाई बात करना छोड़ दो उन लोगों को जो लोग आपके दुख में आपको और ज्यादा तकलीफ देने की कोशिश करते हैं, आपसे बातचीत नहीं करते हैं, तो फिर मुझे लगता है कि वैसे लोगों का बातों करना ही छोड़ देना चाहिए और उसको इंडस्ट्री और जो लोग हैं वो खुद ब खुद जवाब दे देंगे। खैर, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में।